नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum and welcome to Nayi Subha Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course. मेरा नाम है सबा गजाली और आज हम सीखेंगे थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब का पार्ट टू। सो आइए सीखते हैं। हमारा पहला लफ्ज है स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक। एस P, P for Pakistan, S-P-E-A-K, speak, speak माने बोलना। इसकी सेकेंड फॉर्म है spoke, S-P-O-K-E, spoke, S-P-O-K-E, spoke। इसकी थर्ड फॉर्म है spoken, S-P-O-K-E-N, spoken, S-P-O-K-E-N, spoken। हमारा अगला लफ्ज है take, T-A-K-E, take, T-A-K-E, take, take माने लेना। इसकी सेकेंड फॉर्म है took, T-O-O-K, took, T-O-O-K, took। इसकी थर्ड फॉर्म है taken, T-A-K-E-N, taken, T-A-K-E-N, taken। हमारा अगला लफ्ज है tell, T-E-L-L, tell, T-E-L-L, tell, tell माने बताना। इसकी सेकेंड फॉर्म है told, T-O-L-D, told, T-O-L-D, told, और इसकी थर्ड फॉर्म भी told है, T-O-L-D, told। हमारा अगला लफ्ज है eat, E-A-T, eat, E-A-T, eat, eat माने खाना। इसकी सेकेंड फॉर्म है ate, A-T-E, ate, A-T-E, ate। इसकी थर्ड फॉर्म है eaten, E-A-T-E-N, eaten, E-A-T-E-N, eaten। हमारा अगला लफ्ज है write, W-R-I-T-E, write, W-R-I-T-E, write, राइट माने लिखना। इसकी सेकेंड फॉर्म है रोट, W R O T E, रोट, W R O T E, रोट। इसकी थर्ड फॉर्म है रिटन, W R I T E N, रिटन, W R I double T E N, written। हमारा अगला लफ्ज बहुत मजे का है स्टूडेंट्स। ये लफ्ज है read, R E A D, read, read माने पढ़ना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है read, जिसकी स्पेलिंग है बिल्कुल read के जैसी, यानी के R E A D, read,
read और read यानी के read, read, read. और students इन तीनों form की spelling same है, जबकि ये तीनों forms मुख्तलिफ tenses में इस्तेमाल होती हैं. तो इसी के साथ ही हमारा आज का lesson ख़त्म हुआ. मिलेंगे अगले tutorial में नई forms of verb के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया. अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए.